मेरा नाम जरक खान है और मैं यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ लारे न्यू बोंग स्केप हाइड्रो पावर प्लांट जो हपको के अंडर है। HPSL हम यहाँ का ONM कॉन्ट्रैक्टर है और हपको ने यहाँ पर 2 डेज़ का बेरिंग फेलियर एनालिसिस और इसके टेस्टिंग वगैरह के हमारे एक सेक्शन है, जिसके अंदर आज हमारा एक बेसिक ओवरव्यू हुआ और इसमें खुरम शहजाद हमारे इंस्ट्रक्टर। हमने स्टार्ट लिया हिस्ट्री से। हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा कि सिंपल हमने ये पढ़ा कि किस एज से बेरिंग की इंट्रोडक्शन हुई और ह्यूमंस ने उसे यूज़ करना शुरू किया। सेकंड पेपर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिसके ऊपर रोलर बेरिंग होगी, जिसके ऊपर बॉल बेरिंग्स हो गए और इन्हीं के मॉडिफिकेशंस और टाइप्स हमने फर्दर डिस्कस की। उसके बाद हमने एक बेसिक कंपोनेंट्स जो बेरिंग हर बेरिंग के अंदर मौजूद होते हैं वो हमने पढ़े और उसके बाद हमने इनकी डिजिग्नेशन पढ़ी कि हर बेरिंग का जो एक नाम उसके ऊपर लिखा होता है उस नाम को किस तरह रीड करना है और उसको किस तरह मैच करना है अपने कैटलॉग के साथ। और अगर आपके पास कोई नाम है और आपने उस नाम को कैटलॉग से चेक करना है और फिर उसको आपने अगर प्रोक्योर करना है और आपने इंस्टॉल करना है तो उसकी कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अलाउेबल इंटरफेरेंस माउंटिंग के कौन कौन से हमारे पास। तो सबसे पहले तो उसके अंदर ये आता है कि शाफ्ट बेयरिंग को शाफ्ट के ऊपर माउंट करना, उसकी कितनी अलाउेबल इंटरफेरेंस है, टॉलरेंस क्लियरेंस। उसके बाद हाउसिंग और बेयरिंग हाउसिंग की जो आपस में इंटरफेरेंस टॉलरेंस और ये चीज़ें जो थी ये हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने लुब्रिकेशन पढ़े, लुब्रिकेशन कौन कौन से लूब्स इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, टाइप्स के हैं, ऑयल है, ग्रीस है और सेल्फ लुब्रिकेटिंग है। तो ये चीज़ें हमने पढ़े और एंड पे हमने माउंटिंग और डिसमाउंटिंग टेक्निक्स पढ़े, जिसके अंदर हमारे पास हमने इंडक्शन हीटिंग पढ़ी, प्रेशर ऑयल प्रेशर दे के डिसमाउंटिंग करना और हाइड्रोलिक प्रेस करना, कोल्ड फिटिंग और ये चीज़ें हमने डिस्कस की। तो कल हम इसके इन डेप्थ एनालिसिस, जो बेरिंग जब फेल होता है तो उसको हमें किस तरह पता लगे किन किन वजूहात से ये फेल हुआ है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि हमारे जो अपने प्लांट में जो बेरिंग्स फेल हो चुके हैं उनको खुरम साहब हमारे सामने रख के उन्हें बताएंगे कि इनमें क्या क्या फेलियर्स हैं, क्या क्या वजह से ये फेल हुआ है और आइंदा के लिए आप इसको किस तरह रोक सकते हैं फेल होने से। थैंक यू। अच्छा, अभी इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आज हमने पढ़ी और सीखी उसका क्या आज की हद तक जो सीखा उसका कोई इम्प्लीमेंट करने से फ़ायदा होगा आपको या आपकी कंपनी को? बिल्कुल जी। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सबसे पहले क्योंकि एक पावर प्लांट में बेरिंग्स डेली बेसिस पे ढेर सारे मशीनों में इस्तेमाल हो रहे हैं और हाई RPMs पे कुछ मोटर्स हैं, कुछ मोटर लो RPM पे हैं, हमें उनको मेंटेनेंस में चेंज करना पड़ता है। और अगर हम उसको से प्रॉपर तरीके से माउंट ना करें और प्रॉपर तरीके से उसको डिसमाउंट ना करें, उसकी लुब्रिकेशन का ख्याल ना रखें, इस तरह हमने पढ़ा कि जो हमारी लुब्रिकेशन जो 34% लुब्रिकेशन ना देने की वजह से या गलत लुब्रिकेशन देने की वजह से हमारा नुकसान होता है, बेरिंग फेलियर का होता है। 36% 36% सर, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें हमने पहले तो आप शाफ्ट को जाके मेक श्योर करेंगे कि सही बन रही है, चेक करें, फिर उसको रिकॉर्ड करें कि जो इम्पोर्ट, फिर इवन बेरिंग के साइजेस रिकॉर्ड होने शुरू हों। जी सर। डाटा बिल्ड करना शुरू करें माउंटिंग से रिलेटेड, लुब्रिकेशन से रिलेटेड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसकी बुनियाद पे फिर आप चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं बेहतरी की तरफ। इनके लिए ज़ोरदार तालियां।